व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? पंजाबी तड़का चैनल से खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों को खोया बनाना सिखाऊंगी। ये हमने 2 किलो दूध लिया है। दूध खालस होना चाहिए आपका, फुल फैट, तो खोया बहुत अच्छा बनता है। घर में जो चीज़ बनती है वो साफ़ सुथरी बनती है और अच्छी बनती है, तो आज मैं आपको खोए की रेसिपी बताऊँगी। ये हमारे पास 2 किलो दूध है, तो अब इसको हम तकरीबन 25-30 मिनट पकाएंगे। अब उबाला आएगा तो फिर हल्का हल्का इसको हिलाते रहना है। कोई मुश्किल काम नहीं है ये। आप चाहें तो जब उबाल आ जाए तो इसको हल्की आंच पे रख के तो आप काम भी अपना कर सकते हैं। ये देखें नाज़रीन, हमारा दूध बॉयल हो चुका है तो बबल आ रहे हैं। आप बस इसको दरमियानी आंच पे रख के पका सकते हैं। इतनी आंच रखना कि ऊपर ना आए ये दूध, उबले ना। घर में खोया बनाना बहुत ही आसान है। ये देखें इतनी आँच हो तकरीबन, आप लोग तो इसको हिलाते रहना आहिस्ता आहिस्ता ताकि नीचे ना लगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। आप घर में जो चीज़ बनाते हैं वो साफ़ सुथरी होती है, आंखों के सामने होती है। बाहर से लें खोया तो बहुत महंगा मिलता है, तो बेहतर यही है कि दूध अच्छा लेके, खालिस दूध लेके घर में बनाएं तो खोया अच्छा बनता है। नाज़रीन ये देखें, हमारे दूध को 15 से 20 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, तो अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अब इस हालत में हम इसमें चमचा हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। अब तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको और खोया हमारा तैयार होगा। बहुत ही आसान, ये देखें। हमारा आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है आखिरी मराहिल की तरफ। देखें गाढ़ा हो रहा है, तो आपको बराबर चमचा आप लोग हिलाते रहें इसमें ताकि ये नीचे ना लगे। जब तक हमारा खोया तैयार हो रहा है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली रेसिपी आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। नाज़रीन कंजूसी ना किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें और लाइक भी किया करें। ये देखें हमारा खोया तैयार हो रहा है, बस 5 मिनट और हैं। ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। इसमें किसी बटर या घी की ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ दूध से ही बनता है। दूध जितना अच्छा होगा, खालिस होगा, खोया उतना ही अच्छा बनेगा। बाहर से खोया लाते हैं, पता नहीं वो क्या डालते हैं उसमें, कैसे क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो घर में ही साफ़ सुथरी चीज़ बनती है, तो कोशिश किया करें कि चीज़ घर में ही बने।
नाजरीन ये देखें खोया हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको नीचे उतारेंगे चूल्हे से और आप लोगों को फिर दिखाएंगे बाद में। कितना खूबसूरत लग रहा है देखें। अब फ्लेम बंद कर रहे हैं हम लोग। नाजरीन ये देखें खोया हमारा तैयार है। ये थिक हो चुका है और ठंडा हो चुका है। तो आप इसे जब इस्तेमाल करना हो तो कम से कम 2-3 घंटे पहले फ्रिज में रखें, फिर इस्तेमाल करें। और हो सके तो बेशक एक रात पूरी रखें इसको, उतना ही अच्छा होगा ये। तो बाहर से हम खोया लें तो बहुत महंगा पड़ता है। तो ये हमारा 2 किलो दूध था जिसमें हमने ये खोया बनाया है। ये तकरीबन 1/2 किलो से ज़्यादा खोया है। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखें बिल्कुल दानेदार है खोया। जितना दूध अच्छा होगा खोया उतना ही अच्छा होगा। नाजरीन आज की जो हमारी रेसिपी थी वो खोए की रेसिपी थी, आपके सामने हम लोगों ने बनाया है खोया। माशाल्लाह से देखें दानेदार है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम जब कोई रेसिपी बनाएंगे तो उसमें यूज़ करेंगे इसको। उम्मीद है आप बनाएंगे और फीडबैक देंगे हमें। आज का हमारा जो खोए का था, खोए की थी रेसिपी, बहुत पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली रेसिपी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। ओके, अल्लाह हाफिज़।